सकता है कि आप लोगों ने प्रैक्टिस करी होगी। अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस करी थी तो आपके एम एस सम बहुत करेक्ट भी हो रहे होंगे। आज मैं कुछ और फॉर्मूलाज आपको कराऊंगी, तो हम लोग आज जो नेक्स्ट मेरी फॉर्मूलाज हैं वो करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास में स्मॉल फ्रेंड की हेल्प से कुछ सम्स किए थे। आज हम उससे आगे कुछ और करते हैं, क्योंकि हमारे सारे ही सम्स अब हमारे स्मॉल फ्रेंड से नहीं हो सकते, तो हम अपना आगे का करते हैं। हमारी वंस रॉड है, ये वंस रॉड पर हमारे पास 9 नंबर्स होते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड हमारे पास ये 5 होता है। हमारे पास 9 नंबर्स होते हैं। इसके बाद 9 के बाद क्या आता है, 10। हम अपना 10 ले लेते हैं और 10 को हम बना लेते हैं बिग फ्रेंड। आज हम जो भी फॉर्मूला करेंगे वो हम अपने बिग फ्रेंड की हेल्प से करेंगे, और हमारा बिग फ्रेंड क्या है, 10। अब हमें अपने ये नंबर्स जो है हमारे 1 to 9, इनको हमें क्या ऐड करें कि हमारा वो बिग फ्रेंड बन जाए। जैसे हमारे पास हमारा ये वन स्लॉट पे लास्ट नंबर क्या है, 9। आज हम 1 से स्टार्ट नहीं करते, आज हम लोग 9 से स्टार्ट करते हैं। बैक, हमारे पास 9 है, हम 9 में क्या ऐड करें कि हमारा 10 बन जाए। तो हम 9 में 1 ऐड करेंगे, हमारा बन जाएगा 10। 9 का पार्टनर क्या हुआ, 1। इन दोनों की पार्टनरशिप से हमारा बिग फ्रेंड बन गया। अब हमारे पास सेकेंड नंबर है 8 में हम 8 किसकी पार्टनरशिप से 10 बनाएगा, वो 2 की पार्टनरशिप से 10 बनाएगा। 8 plus 2 10, तो 8 2 का क्या हो गया, पार्टनर। अब हमारे पास थर्ड नंबर है 7। 7 में हम क्या ऐड करें कि हमारे पास 10 बन जाए, वो है 3। 7 and 3 की पार्टनरशिप से हमारा बिग फ्रेंड बन जाएगा 10। ऐसे ही हमारे पास 6 है, 6 में हम क्या ऐड करें कि हमारा बिग फ्रेंड बन जाए, इन दोनों की पार्टनरशिप से 10 बन जाए, तो हम 6 में करेंगे 4 ऐड, हमारा 10 बन जाएगा। ऐसे ही 5 में क्या ऐड करें कि 10 बन जाए, तो 5 में सिंपल 5 plus 5 करेंगे, हमारा बिग फ्रेंड बन जाएगा। नेक्स्ट है 4। 4 में क्या ऐड करें कि 10 बन जाए, तो 4 में हम 6 ऐड करेंगे, 10 बन जाएगा। 3 में क्या ऐड करें 10 बन जाए, 7। 2 में क्या ऐड करें 10 बन जाए, 8। 1 में क्या ऐड करें, 9, हमारा 10 बन जाएगा। ऐसे ही अगर हम देखें तो 9 में हम 1 ऐड करते हैं, देखिए तब हमारा 10 बनता है। 8 में 2, 7 में 3, 6 में 4, 5 plus 5 10, 4 और 6 की पार्टनरशिप से 10 बन गया, 3 और 7 की पार्टनरशिप से 10 बन गया, 2 और 8 की पार्टनरशिप से हमारा बिग फ्रेंड बन गया, एंड 1 एंड 9 की पार्टनरशिप से हमारा बिग फ्रेंड बन गया। अब हम लोग आगे देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको ये शीट देख दी है, इसमें मैंने कुछ सम्स दिए हुए हैं। अब हम इन सम्स को सॉल्व करेंगे और जहां हमें प्रॉब्लम होगी हम लोग फॉर्मूलाज की हेल्प लेंगे, और वो भी बिग फ्रेंड से। स्मॉल फ्रेंड की हेल्प भी पड़ सकती है इन सम्स में, हम वो भी यूज करेंगे, +5, 4, 3, 2, 1 और -5, 4, 3, 2, 1 के। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट सम, 1, 8, -7, आंसर इज 2। नेक्स्ट सम देखिएगा, 7, -1, -2। अब देखिए -2 यहां डायरेक्ट नहीं हो सकता, हमारे पास सिर्फ 1 है, यहां पर ऊपर 5 है पर नीचे हमारे पास -2 करने के लिए डायरेक्ट नहीं है, तो यहां पर हम -2 का हमारा फॉर्मूला था उसकी हेल्प लेंगे, 3 या 5। आंसर इज 4। यहां पर हमने -2 का फॉर्मूला लिया था। अब हम अपनी रॉड क्लियर कर लेंगे। नेक्स्ट 15, 9। अब हम यहां पर 9 डायरेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमारा 5 ऑलरेडी बिजी है, हमारे पास ओनली 4 बीट्स है यहां पर। यहां पर हमें फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, और हमारा फॉर्मूला कैसे लगेगा वो मैं आपको बताती हूँ, उसके लिए मुझे फॉर्मूला आपको दिखाना पड़ेगा। तो जब जब हमारे पास कोई ऐसा सम आ जाता है जहां पर हम डायरेक्ट नहीं कर पाते, वहां हमें फॉर्मूला की जरूरत पड़ती है। यहां पर हम +9 डायरेक्ट नहीं कर पा रहे, तो हम यहां पर +9 का फॉर्मूला लगाएंगे, और ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। फॉर्मूला याद करना कोई बहुत मुश्किल नहीं है, यहाँ पर सिर्फ पार्टनर्स को ही याद करना पड़ रहा है। बिग फ्रेंड तो हेल्प के लिए हमेशा आ ही रहा है, और मैंने आपको स्मॉल फ्रेंड में बताया था जब भी प्लस होता है तो पार्टनर माइनस होता है, तो यहाँ पर भी जब हम +9 कर रहे हैं
तो हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा, पार्टनर माइनस होगा और 9 का पार्टनर क्या है 1, माइनस 1 प्लस 10। तो यहां पर हम माइनस 1 डायरेक्ट करने के लिए नहीं है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे प्लस 4 माइनस 5, ये हो गया हमारा माइनस 1। नेक्स्ट हमारा क्या है प्लस 10, यहां पर हम प्लस 10 कर देंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 24। हमारी नेक्स्ट डिजिट थी अगेन प्लस 9, अब हमारे पास फिर प्लस 9 करने के लिए नहीं, क्योंकि हमारा 5 भी बिजी है, 5 केवल हमारे पास 5 है और हमारा 4 बिजी है, तो हम लोग क्या करेंगे फिर दोबारा फॉर्मूले की हेल्प लेंगे। और प्लस 9 का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस 1 प्लस 10। अब यहां पर हम माइनस 1 करेंगे, माइनस 1 प्लस 10, तो आंसर क्या आ गया हमारा 33। अब आप देखिए सिर्फ इतना सा फॉर्मूला लर्न करने के बाद हम अपना सम इजीली कर सकते हैं। प्लस 9 का फॉर्मूला क्या है, माइनस 1 प्लस 10। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट सम, और हमारा नेक्स्ट सम है 9 अगेन 9 माइनस 2। हमारा जो सेंटर पॉइंट है वो हमने फर्स्ट रोड को बना रखा है, तो अब हम इस पर करते हैं 9 अगेन 9 माइनस 2। 9 अगेन 9 करने के लिए हमारे पास बीट्स नहीं है, तो अब हम अपने बिग फ्रेंड की हेल्प लेंगे, और प्लस 9 करने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या था, 9 का पार्टनर 1, उसे हम माइनस करेंगे, माइनस 1 प्लस 10। अब आगे हमारा फॉर्मूला लग गया माइनस 1 प्लस 10, हमने बिग फ्रेंड को हम लेकर आ गए हैं, बिग फ्रेंड की एंट्री हो गई है, अगर बिग फ्रेंड की एंट्री हो रही है तो हमारा पार्टनर जाएगा और पार्टनर है माइनस 1, और हमारे पास नेक्स्ट डिजिट है माइनस 2, आंसर इज 16। हमारा नेक्स्ट सम है 4 9 6, 4 9। अब 9 हमारे पास डायरेक्ट करने के लिए नहीं है, प्लस 9 का फॉर्मूला लेंगे, माइनस 1 प्लस 10 हो गया। अब हम करेंगे 6 को, 6 क्या होता है हमारा 5 एंड 1 पिंच हो गया, आंसर इज 19। हमारा नेक्स्ट सम है 4 9 6, 4 9। अब 9 हमारे पास डायरेक्ट करने के लिए नहीं है, प्लस 9 का फॉर्मूला लेंगे, माइनस 1 प्लस 10 हो गया। अब हम करेंगे 6 को, 6 क्या होता है हमारा 5 एंड 1 पिंच हो गया, आंसर इज 19। नेक्स्ट सम है हमारा 4 माइनस 2 8, 4 माइनस 2 8। अब हमारे पास वंस रॉड पर 8 डायरेक्ट करने के लिए नहीं है, तो अब हम ये अपने बिग फ्रेंड की हेल्प लेंगे, फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पर, और प्लस 8 का फॉर्मूला है माइनस 2 प्लस 10, 8 का पार्टनर क्या होता है 2, अगर हम प्लस कर रहे हैं हमें प्लस 8 करना है तो पार्टनर को माइनस करना है, माइनस 2 प्लस 10 आंसर इज 10। यहां पर हमारा प्लस 8 का फॉर्मूला यूज हुआ है। सो नेक्स्ट सम करते हैं हम अपना, नेक्स्ट सम है हमारा 16 8 अगेन 8, 16 होता है 10 और 6, तो 10 अप हो जाएगा और 6 पिंच हो जाएगा, ये हो गया हमारा 16। अब हमारा नेक्स्ट नंबर है 8, अब 8 हमारे पास प्लस करने के लिए है ही नहीं डायरेक्ट, तो हम 8 का हमारा फॉर्मूला क्या है, माइनस 2 प्लस 10, अगर हमें माइनस 2 करना है तो हमारा वो स्मॉल फ्रेंड वाला माइनस 2 होगा पहले, तो हमारा माइनस 2 का फॉर्मूला क्या था, प्लस 3 माइनस 5, प्लस 3 माइनस 5, ये हो गया हमारा माइनस 2 और अब अगर हमारा होगा प्लस 10। अगेन 8 करना है अब हमें, यहां पर देखिए हमारा स्मॉल केवल बिग फ्रेंड लगेगा और हमारा प्लस 8 हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 10 आंसर इज 32। हमारे पास प्लस 9 का फॉर्मूला हमारा क्या था, माइनस 1 प्लस 10, और प्लस 8 का फॉर्मूला क्या है हमारा, माइनस 2 प्लस 10। अब हम अपना नेक्स्ट सम देखते हैं, और हमारा नेक्स्ट सम है 12 8 7,
अब हमें करना है 12, 10 एंड 2, 8, अब 8 का फॉर्मूला मैंने अभी बताया था आपको क्या था, -2 + 10, अब हमारे पास है 7 + 7, आंसर इज 27। नेक्स्ट हमें हमारा 3, 7, 4, 3, 7, अब हमारे पास 7 डायरेक्ट करने के लिए नहीं है, वंस रॉड पर ओनली हमारे पास 6 है, अब हमें 7 करना है, तो हमारे पास हम फिर दोबारा से बिग फ्रेंड की हेल्प लेंगे और 7 का पार्टनर क्या होता है 3, अब हम माइनस कर रहे हैं तो पार्टनर माइनस हो, प्लस कर रहे हैं तो माइनस पार्टनर माइनस होगा और 7 का पार्टनर क्या है 3, अब हम 7 करने के लिए -3 + 10, अब हमारे पास नेक्स्ट नंबर था हमारा 4, आंसर इज 14। नेक्स्ट हम देखेंगे, यहां पर हमारा 7 का जो फॉर्मूला था वो था -3 + 10, प्लस 7 का फॉर्मूला है हमारा -3 + 10, 7 का पार्टनर क्या है 3, अगर प्लस हो रहा है तो पार्टनर माइनस होता है और जो फ्रेंड होता है जैसे यहाँ पर हमारा बिग फ्रेंड है वो प्लस होगा, तो फॉर्मूला क्या हुआ -3 + 10। सम है हमारा 16, 7, 6, 16, 7, अब हमारे पास यहाँ पर डायरेक्ट 7 करने के लिए नहीं है, हम अपने बिग फ्रेंड की हेल्प लेंगे और हमारा बिग फ्रेंड 10 है, 7 करना है हमें प्लस, तो पहले हम पार्टनर को माइनस करेंगे और हमारा 7 का पार्टनर है 3, तो पहले -3 कर लेंगे, अब -3 भी हमारे पास डायरेक्ट करने के लिए नहीं है, तो अब हम यहाँ पर अपना स्मॉल फ्रेंड से की हेल्प से -3 करेंगे और हमारा -3 का क्या था फॉर्मूला स्मॉल फ्रेंड में +2 - 5, और यहाँ पर हमें अब हमारा -3 तो हो गया, अब हमें +10 करना है, तो हमारा फॉर्मूला यहाँ पुट हो गया है -3 + 10। दोबारा देखेंगे इसी चीज को, हमारे पास ये था, अब हमें यहाँ पर 7 करना था, तो हमारे पास 7 डायरेक्ट करने के लिए नहीं था, हमें -3 करना है और +10 करना है, पहले हम -3 करेंगे, -3 हमारा कैसे होगा 2 5, +2 - 5 एंड +10, ये हो गया हमारा 7। अब हमें करना है 6, 5 and 1 पिंच, आंसर इज 29। सो स्टूडेंट्स, मैंने आज आपको कुछ फॉर्मूलाज कराए हैं, +9 का फॉर्मूला कराया है, 9 का फॉर्मूला है -1 + 10, +8 का फॉर्मूला है -2 + 10, +7 का फॉर्मूला है -3 + 10। जब भी आपको इन डिजिट्स को करने में प्रॉब्लम हो आप अपने फॉर्मूले लगा ला, और कई बहुत से सम्स ऐसे भी होंगे जिसमें स्मॉल फ्रेंड के फॉर्मूले भी लगेंगे, जैसे कहीं पर -2 करना है, अगर 3 नहीं हो पा रहा, -3 करना है, तो हम स्मॉल फ्रेंड की भी हेल्प लेंगे, आप इन फॉर्मूलाज और स्मॉल फ्रेंड की हेल्प से सम्स कीजिएगा। मैं आज आपको कुछ शीट्स भी दे रही हूँ इन सम्स से रिलेटेड, तो आज वो भी आप सॉल्व कीजिएगा, इनको आपको पहले अबाकस पर करना है फिर मेंटली करना है, अगर आपको करने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उसका आंसर दूंगी। ये शीट्स हैं जो आपको सॉल्व करनी है अबाकस पर और फिर मेंटली। नंबर 1 शीट स्टार्ट, नंबर 2 शीट स्टार्ट, नंबर 3 शीट, आप अपने इन सभी शीट्स को सॉल्व कीजिएगा और मेरी वीडियो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को शेयर कीजिए।